हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो? और मैं ये देखो नहा धो के हो गई हूँ तैयार। तो अभी करूँगी मैं पूजा, और ऑफिस में मेरे को जाना नहीं है क्योंकि लास्ट महीना है, तो मैंने छुट्टी ले ली। तो मैं जाऊँगी अभी नई साल को ही, जितने अपने मस्ती मारेंगे छुट्टी छुट्टी में। तो अभी कर देती हूँ पूजा, पूजा के बाद बनाऊँगी खाना और फिर कहीं बाहर जाना है, बताऊँगी आपको। तो ये गाइस, मैंने कर दी है पूजा, तो चलो अभी बाहर चलेंगे। तो गाइस, मैंने कर दी है पूजा और अभी कपड़े चेंज करके और दोपहर का बनाने जा रही हूँ खाना, फिर तैयार होके फिर मेरे को बाहर जाना है। हेलो गाइस, अभी बना रही हूँ रोटी और बच्चों के लिए मैंने खाना डाल दिया है। हम खाना खा रहे हैं, खाने में बनाया है आलू बैंगन और रोटी और सलाद। चलिए गाइस, खाना पीना बना लिया है और तैयार हो गई हूँ। तो अभी मेरे को कोई बैंक में काम है, तो बैंक में जा रहे हैं। तो बैंक में पैसे लेने आई हूँ गाइस, तो अंदर तो अलाउ नहीं है, बाहर तक की है, तो मिलती हूँ बाद में। तो ये देखिए गाइस, ये मेन मार्केट है, तो रेल आती है तो सब इधर के इधर उधर के उधर रुक जाते हैं, और उसके बाद जब खुलता है ट्रेन जाने के बाद, तो बहुत ऐसे निकलने में बहुत डर लगता है, भीड़ भड़का। गाइस, बैंक का काम हो गया है, तो अभी यहाँ पे खड़े हैं फाटक पे, ट्रेन आई है तो अभी चल पड़ी, निकल गई है ट्रेन, अभी चलेंगे। तो ये देखिए गाइस, कितने कंजूस आदमी हैं, खुद के लिए, हमारे लिए तो हजार के दो दो हजार के जूते धुला देते हैं, और खुद देखो सस्त मूल्य लेके आए थे, और अभी चिपकाने के लिए देखो यहाँ पे आए हैं मोची के पास, चिपका चिपका के पहनते हैं। जो सिविल डिफेंस के हैं, जो मेरे अफसर हैं, ये उनकी कोठी है, और उनकी बेटी की 4 तारीख को शादी थी, तो ये पहले से ही गांव गए हुए थे, तो उसके बाद ये आए हैं 2-3 दिन पहले। तो जैसे ही घर में घुसे तो इनको ताले लॉक सब टूटे हुए मिले, चोरी हो गई है। अब क्या क्या चोरी हुई है वो मैडम से पूछते हैं, तो मैं मिलने आई हूँ स्पेशली मैडम से, कि भाई थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अफसर रह गए ना हमारे, तो थोड़ा पूछ लेते हैं। चलो, तो ये सर की स्कूटी भी है, गाड़ी भी है, तो सर तो निकल गए हमारे देखते देखते, उनको हम नहीं दिखे। मैडम है घर पे, मैडम से मिल लेते हैं। लाई थी गाइस, तो मैं दिखा नहीं पाई, तो अभी दिखाऊंगी आपको। ये देखिए गाइस, ये चाय पत्ती हो गई, और ये धनिया, हल्दी, और ये चावल, ये बेसन, और ये गुड़ हो गया, और वो चाय पत्ती, और ये काजू बादाम हो गए, और ये सॉस हो गया, वो घी हो गया, और चीनी गाइस इसके अंदर पड़ी है 5 किलो, ये रही। तो गाइस, सारा सामान आ गया है किचन का, सिर्फ बचा है आटा, तो आटा लेके आएंगे कल। आज तो भूल गई थी मैं, पड़ा था आज का, तो कल आटा वो लेंगे, फिर आ जाएगा पूरा किचन का सामान। ये तो आ गया परचून का, फिर बस सब आटा आटा बचा है, वो आटा कल लेके आएंगे। तो गाइस, मैं एक चीज़ और बताना चाहती थी आपको। तो मेरे यादव सर हैं, अफसर हैं ऑफिस में, तो उनके घर में चोरी हो गई है, तो बहुत सारा सामान लेके चले गए हैं। कोठी है, कोठी में कोई आता जाता है नहीं, आसपास में भी कोठियां हैं जो सुननी है, तो कोई ध्यान नहीं देता, अपने से अपने मतबल रखते हैं। तो सर के घर पे चोरी हो गई, काफ़ी सामान ले गया, सर्फ, साबुन, बेडशीट, बहुत काफ़ी चीज़ें ले गया, जो घर के सामान अपने यूज करते हैं घर के लिए, काफ़ी सामान ले गया, सोने की एक बिट्टी ले गया, और पैसे भी ले गया, काफ़ी सामान बता रही थी मैडम, नई नई कटोरियाँ और नई थाली, बहुत सारा जो सामान था पैक था, बेड में रखा था, तो वो धीरे धीरे
पूरा सामान उठा के ले गया, नया नया जो भी नया था ना बेड में सामान, पैकिंग वाला लेके गया है, ये नहीं यूज किया हुआ वो ले गया हो, सारा जो पैक था सामान जो मैडम ने रख रखा था एक्स्ट्रा, और 5-7 साड़ियाँ भी रखी थी क्योंकि उसकी बेटी की अभी शादी हुई है, तो वो बोले गए मम्मी दोबारा आऊँगी तो मैं साड़ी ले जाऊँगी यहीं पे रख दो, तो मैडम बता रही थी 5-5 हज़ार की साड़ियाँ थी 6-7, वो नई की नई वो साड़ियाँ भी ले गया, बेडशीट की खोड़ी भी ले गया, जो तकिए का कवर होता है वो, और बहुत सारा सामान मैडम बता रही थी जो लेके चला गया वो। और दुख की बात है जो सर के घर पे चोरी हो गई, और ये भी नहीं है मेन रोड पे कोठी है उनकी, तो मैंने मैडम से ज़्यादा बात भी नहीं करी। तो गाइस मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर गाइस मेरा ब्लॉग आपको पसंद है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें गाइस, और मिल लेते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तो बाय टाटा।